Hi kids, hello, how are you? I hope you will totally fine and fit. So I am again coming in front of you with a new interesting topic. Today's topic is my home. So guys, do you know what is the meaning of my home? Yes, mine is mera or home is ghar. Yani ki mera ghar. This topic is related general knowledge. General knowledge is the most important for us. So guys, I was taught many chapters on GK syllabus. So today I will discuss with you again one more GK syllabus. This topic is my home. So my home means hota hai mera ghar. होम को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे होम को हम हाउस भी कह सकते हैं, है ना। होम कहिए या हाउस कहिए, मीनिंग एक ही है, घर। हाउस मीन भी घर और होम भी घर। सो हैव यू सीन अ पिक्चर? ये जो बॉय खड़ा है ये कह रहा है दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। अब यहाँ पर बात ये है कि आप घर में क्या क्या देखते हो। सो फर्स्टली कैन यू टेल मी विच पिक्चर इज दिस? डिंग डोंग, डिंग डोंग से आप क्या समझ रहे हो? यस, दिस इज ए डोर बेल। ये क्या है? हमारी डोर बेल है जो कि हमारे हाउस में सबसे पहले बाहरी आपको लगी हुई गेट पे दिखती है। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस? दिस इज ए डोर। डोर मीन दरवाजा, डी डबल ओ आर, डोर। डोर मीन दरवाजा। आफ्टर दैट विच पिक्चर इज दिस? दिस इज अ विंडो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू। विंडो मीन्स खिड़की। विंडो मीन्स क्या होता है? खिड़की। आफ्टर दैट फ्रंट डोर। डोर तो बहुत सारे होते हैं घर में, हर रूम में डोर होते हैं, बट ये हमारा कौन सा है? फ्रंट डोर, मतलब आगे का दरवाजा। आफ्टर दैट रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ। रूफ मीन्स क्या होता है? छत, जो कि हम लोगों के घरों में होती है। ओके, आफ्टर दैट डाउन स्टेयर्स। रूफ पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेयर्स यूज़ करते हैं, और उतरने के लिए भी हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। ओके, आफ्टर दैट बालकनी। बालकनी, बालकनी मीन्स क्या होता है? जो हमारा रूम होता है उसके आगे जो पोर्शन होता है उसको हम बालकनी कहते हैं, जहाँ से हम रोड वगैरह देख सकते हैं। आफ्टर दैट गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा, जी आर डी एन गार्डन, जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्लांट्स लगे होते हैं। आफ्टर दैट गैरेज। गैरेज, गैरेज मीन्स जहाँ पर हम अपने फोर व्हीलर या टू व्हीलर्स खड़े करते हैं, उसको हम गैरेज कहते हैं। आफ्टर दैट हमारे हाउस में लिविंग रूम होता है ना, लिविंग रूम, जिसको कि हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, है ना, जहाँ पर हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं। और गेस्ट को किस पे बिठाते हैं? सोफा, एस ओ एफ ए, सोफा। सोफे में हमारे क्या कौन बैठते हैं? गेस्ट बैठते हैं, है ना। और क्या होता है लिविंग रूम में? बुक शेल्फ, बी डबल ओ के बुक, एस एस ई एल एफ सेल्फ, जहाँ पर अच्छी अच्छी मैगजीन्स और बुक्स रखे होते हैं। आफ्टर दैट हमारे लिविंग रूम्स में टीवी, यानी कि टेलीविज़न या एलईडी, जो भी होता है ये हमारे लिविंग रूम में होता है ना, जिसपे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। आफ्टर दैट हमारे लिविंग रूम में कारपेट। कारपेट मीन्स कालीन, है ना, गलीचा जिसको बोलते हैं, ये भी हमारे लिविंग रूम में होता है। आफ्टर दैट किचन। और हमारे हाउस में दूसरा रूम कौन सा होता है जिसको हम किचन कहते हैं, जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, है ना। यहाँ पर मम्मा हमारे लिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर प्रिपेयर करती है। और ये किस में प्रिपेयर करती है? स्टोव या गैस, इस पर हमारे मम्मा खाना बनाती है। आफ्टर दैट हमारे किचन में रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज भी कहते हैं, इसमें सारा हमारा फूड आइटम्स हम लोग रखते हैं। आफ्टर दैट हम लोग किसमें खाना खाते हैं? डिश, डी आई एस एस, डिश, जिसको हम प्लेट भी कहते हैं, पी एल ए टी, प्लेट, जिसमें हम खाना खाते हैं। खाना खाते के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पून, एस पी डबल ओ एन, स्पून। स्पून मीन चम्मच, है ना, जिससे कि हम दाल, वेजिटेबल, राइस खाते हैं। आफ्टर दैट फॉक, एफ ओ आर के फॉक, फॉक मीन्स काटा, जिससे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं। आफ्टर दैट नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, इससे हम, इसको भी हम
खाने में यूज़ करते हैं, डोसा वगैरह खाते हैं। आफ्टर दैट हमारे हाउस में एक बाथरूम भी होता है और ये बहुत ही यूज़फुल प्लेस है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं। अब देखते हैं बाथरूम में क्या क्या होता है। टॉयलेट है ना, टॉयलेट होता है बाथरूम में। आफ्टर दैट टॉयलेट के अलावा बाथटब होता है जिसमें कि हम बात करते हैं और हमें डेली बात करना चाहिए है ना, तो टब में हम क्या करते हैं, नहाते हैं। आफ्टर दैट सिंक, जिसे हम वॉश बेसिन भी कहते हैं, इसमें हम अपने हैंड वॉश करते हैं है ना, खाने के पहले, खाने के बाद, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हम लोग बेसिन यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हैंड वॉश किससे करते हैं, सोप है ना, तो सोप मीन साबुन, SOAP सोप, सोप मीन्स क्या होता है, साबुन। उसके बाद हम लोग को हाथ पोछना रहता है तो हम लोग हाथ किस में पोछते हैं, टॉवेल, TOWEL, टॉवेल, टॉवेल मीन्स तौलिया। इसके अलावा भी हमारे हाउस में कौन कौन से रूम होते हैं, बेडरूम, BED बेड, ROOM रूम, बेडरूम। बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, और किस पे सोते हैं, बेड, BED बेड। बेड मीन क्या होता है, पलंग है ना, बेड मीन्स पलंग, और पलंग पे क्या करते हैं हम लोग, सोते हैं, उसमें क्या करते हैं, रात में सोते हैं। और सोने के बाद हमें कुछ ओढ़ना भी रहता है, वैसे भी आजकल विंटर सीजन स्टार्ट है तो हमें क्या चाहिए रहता है ओढ़ने के लिए, ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन कंबल। इसके अलावा हमें क्या चाहिए रहता है, पिलो, PILLOW पिलो, पिलो मीन्स तकिया, जो कि हमें सोने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें अपने बेडरूम में देखते हैं। आफ्टर दैट डाइनिंग रूम, हमारे हाउस में एक डाइनिंग रूम भी होता है जहाँ पर हम लोग लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर लेते हैं है ना, इसमें टेबल और चेयर का यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ होती हैं, होम में होती हैं है ना। अपने कई रूम्स अपने आपके घरों में होते हैं और उस रूम में कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने बताई, चलिए एक रिविज़न करते हैं। सो सबसे पहले हमने टॉपिक क्या करता है हमारा, हाउस है ना। आफ्टर दैट हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूफ, डोर है ना, रूफ होता है, डोर होता है। आफ्टर दैट विंडो, आपने पढ़ा हमारे हाउस में विंडो होते हैं है ना, यानी कि रूफ, डोर, विंडो, ये सारी चीज़ें हमारे हाउस में होती हैं। आफ्टर दैट गार्डन है ना, आपके हाउस में एक गार्डन भी होता है जहाँ पर आप प्ले करते हो, बैठते हो, वॉक करते हो। इसके अलावा एक गैराज होता है जहाँ पर आप अपनी टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स खड़े करते हो। और हमारे हाउस में लिविंग रूम होता है जहाँ के हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं है ना। और लिविंग रूम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कारपेट, सोफ़ा है ना, बुक शेल्फ है ना, सोफ़ा, बुक शेल्फ एंड टेलीविज़न या LED TV कुछ भी हम कह सकते हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ होती हैं, लिविंग रूम में होती हैं। इसके अलावा हमारे होम में किचन होता है जहाँ पर मम्मा हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर प्रिपेयर करती है। और वो किस में करती है, स्टोव या गैस में करती है। इसके अलावा हमारा फूड आइटम रखने के लिए रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ बर्तन होते हैं किचन में जिसे हम डिश, प्लेट, सॉसर, बाउल है ना, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट स्पून, फॉक, नाइफ है ना, ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ मिलती हैं, हमको किचन में मिलती हैं। जैसा कि आप पिक्चर भी देख रहे हो, फॉक और नाइफ, स्पून, ये सारी पिक्चर्स के थ्रू भी आप इनको पहचान सकते हो कि किचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आफ्टर दैट हमारे हाउस में एक बाथरूम होता है ना, बाथरूम यानी कि इसको हम स्नानघर भी कहते हैं है ना। और बाथरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टॉयलेट होता है जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आफ्टर दैट टब होता है जिसमें कि हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे उसमें एक सिंक है, वॉश बेसिन होता है जिसमें हम ब्रश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। और हमारा बाथरूम में सोप होता है ना, जिससे कि हम नहाते हैं है ना, टॉवेल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ है होती हैं, बाथरूम में होती है। और बाथरूम कहाँ होता है, रूम के अंदर होता है। इसके अलावा एक बेडरूम होता है ना, बेडरूम मतलब सोने का कमरा है ना, जहाँ हम सोते हैं। किस पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं। बेड पे सोने के बाद हमें कुछ ओढ़ना रहता है तो हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें एक पिलो की ज़रूरत पड़ती है
है ना सोने के समय, तो ये सब कहाँ होता है, हमारे बेडरूम में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखती हैं, माई होम यानी कि अपने घर में दिखती हैं। बहुत सारे रूम्स दिखते हैं और उन रूम्स में कौन से रूम में क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपने आज इस वीडियो में देखा और पढ़ा। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा और अपने पेरेंट्स से पूछिएगा ये क्या चीज़ है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो वी मीट नेक्स्ट वीडियो।